Rice beer. Rice beer. Bismillah. Bu bir sırada geçti. Abi. Abi ne yine? Yenge. İki. What is this? Assalamualaikum, good morning from Turkey, Uzun Gol Lake. और finally आज मेरा plan बन चुका हुआ है वापसी की तरफ सफ़र का और अभी मैं जाऊँगा Trabzon. यहाँ से वही जिस गाड़ी में मैं आया था उसी तरह की एक गाड़ी की जाके टिकट लूँगा और then उसके बाद move करूँगा towards Trabzon. और आज का स्टे मेरा Trabzon में होगा. शाम में Trabzon आपको थोड़ा सा घुमा दूंगा और चूँकि वो आते वक्त मैंने नहीं घुमाया था उस टाइम मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था. ज़्यादा सी साइड है वो तो सी साइड पे इतना मेरा इंटरेस्ट होता नहीं है तो इस वजह से चलो आज आपके लिए थोड़ा सा Trabzon सिटी का टूर करवा दूँगा. तो फ़िलहाल चेकआउट कर रहा हूँ. बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये होटल था एलिफ इनान होटल. तो आपको मैं ज़रा इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा टूर करवा देता हूँ. इस तरह का कुछ ये बाहर से दिखने में है अलिफ इनान और ये एक लोकल फैमिली रन बिजनेस लग रहा है मुझे. लाइक अंकल आंटी और का बेटा ये इस तरह चला रहे हैं इस होटल को. तो अभी तो फ़िलहाल चूँकि इतने टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे तो इन्होंने नीचे से तो जो रेस्टोरेंट वाला एरिया है उसको क्लोज़ किया हुआ है. और ये सामने शायद इनको स्टोर रूम या घर वगैरह इस तरह की चीज़ है और ये रिसेप्शन वाला एरिया कुछ इस तरह का दिखने का है. 200 लीरा में ये मिला था और अभी बस लेट चेकआउट किया है थोड़ा सा और यहाँ से वॉक करेंगे. कोई 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है और वॉक करके वहीं जाकर बस पकड़ के तो फिर निकल जाऊंगा टुवर्ड्स Trabzon. चले जी सफ़र हो गया रवा दवा टुवर्ड्स Uzun Gol और अभी यहाँ से चूँकि टैक्सी वगैरह नहीं मिलती है यहाँ सारी नॉर्मली प्राइवेट गाड़ियाँ ही चल रही हैं. अगर मिल भी जाए तो वो बहुत महंगी होती है. इस तरफ जाना है मुझे Uzun Gol लेक की तरफ और अभी बस वैसे ऐसे पैदल चलता हुआ जाऊंगा और आगे जाके वहाँ से फिर बस वगैरह या मार्स वो जो छोटी मिनी वैन होती है वो पकड़ूंगा. ये देखें या यकामा वॉशिंग गुसल वॉशिंग को गुसल कौन कहता है यार. इन्होंने अरबिक को लिखने की कोशिश की हुई है चूँकि अरबिक लोग ज़्यादा आते हैं ना यहाँ पर Uzun Gol में तो इस वजह से हर जगह पर अरबिक टर्किश के साथ अरबिक ज़रूर लिखी हुई होती है. तो चलो खैर अभी चलता जाता हूँ आप वहाँ पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ. ऐसा है कुछ ये एरिया देखने में दिन के टाइम का और होटल ऑलमोस्ट 80% होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हुए हैं चूँकि टूरिस्ट शायद इतने नहीं हैं तो इस वजह से ही बंद पड़े हुए हैं. और चलूँगा अभी देखूँगा आगे जाके कितने की बस मिलती है कितने टाइम की. 12:30 थी उसके बाद अब पता नहीं कब होगी. अभी 12 बज चुके हूँ मैं तो फिर ही लूँगा जाके जो भी मिली अवेलेबल फर्स्ट अवेलेबल वही लेकर तो आगे निकल जाऊँगा. चलें जी चलते चलते जो है वो लेक पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे धूप निकली हुई है बहुत. अराउंड 2 या 3 दिन के बाद धूप मिली है तो मैंने कहा थोड़ी देर जो है ना वो धूप के मज़े ले लूँ फिर आगे चलता हूँ. रेस्ट भी हो जाएगा धूप भी ले हो जाएगी. तो लेक का व्यू अभी कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है धूप की वजह से तो आपको दिखाता हूँ. चलें जी चलता चलता पहुँच चुका हूँ. हवा इतनी ज़्यादा थी कि बालों का भी पूरा हशर हो गया लेकिन फिर भी
इतना चला हूँ ये बैग उठा के ये वाला कि वो आ गया है ना, स्वेटिंग हो गई है। तो ये एरिया है जहाँ पे जिसने बस ने ड्रॉप किया था, और आई थिंक उस साइड पे आ गया कहीं पे। उधर से जाके टिकट ले लूँ पहले, आधा घंटा अभी स्टिल पड़ा है। मैंने टाइम जाते वक्त टाइमिंग की पिक्चर ले ली थी, हर घंटे के बाद बस है। तो पहले 12:15 थी, वो तो निकल गई होगी क्योंकि 12:45 हो गया। तो अभी है 1:30, तो 1:30 वाली बस की टिकट लेकर तो फिर भी देखूँगा, चाय शाय कॉफ़ी शॉपी लूँगा और कहीं कैफ़े बैठ जाऊँगा, फिर उसके बाद बस लेके निकल जाऊँगा। आई थिंक कि ये वाला था, ये चिकारा देरेने उजुन गोल बस ऑटो बस। तो ये वाला इनका ऑफिस है, बिल्कुल मस्जिद, वो सामने मस्जिद है और मस्जिद के बिल्कुल इस तरफ। यहाँ से आके आप टिकट ले लें, और बस की टाइमिंग मैंने यहाँ से देखी थी तो मेरा ख्याल है ये निकल गई है। ये वाली बस मैं पकड़ूँगा अभी इसका टिकट, देखता हूँ कितने का मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, ट्रैबज़ोन टिकट ले लिया जी बड़ी मुश्किल से। वो शायद 2:00 की टाइम का दे रहा था मुझे, पता नहीं क्यों, जबकि 1:30 की टाइम की भी थी। फिर मैंने उसको लिख कर दिया कि भाई नहीं, मुझे 1:30 वाली टाइमिंग की चाहिए। टिकट ले लिया ये, वही जिस 25 लीरा का आते का मिला था, 25 लीरा का जाते का मिला। 25 लीरा कितना होता है, 150 कोई तकरीबन 350 रुपये बनते हैं। तो 1.5 घंटे का ये सफ़र होगा, तो ये ट्रैबज़ोन वहीं पे उतार देगी जहाँ से मैं लेकर आया था इस गाड़ी। तो एक इस तरह की भी बस जाती है ये, जो अभी गुजरेगी मेरे पीछे से, देख लीजिएगा, इस तरह की भी बस जाती है। इनका स्टॉप पता नहीं कौन सा है, ये थोड़ी सी लग्जरी टाइप की होती है, और शायद इसका टिकट 5-10 लीरा ज़्यादा हो, लेकिन मैं जिस पे आया था अब उसी का पता था, तो उसी से करवा लिया बस। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, जब एक चीज़ पता है उसी से करवा लो, ख़त्म करो कहानी। तब 1:30 आ जाऊँगा वापस इधर। चलें जी, ये चाय ले ली है और ये खड़ी हुई है बस। मेरा ख्याल है कि फर्दर 2 या 3 मिनट या 5 मिनट होंगे यहाँ पे, और चाय पी के जल्दी से बैठ जाऊँगा और फिर ट्रैबज़ोन की तरफ निकल जाएगी बस। बैक टू पवेलियन, अगेन वापस ट्रैबज़ोन, उसी पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ से बस पकड़ी थी, वो रही बस। और ये रहा मैं, इस साइड पे रहा होटल। भूख लगी हुई है शदीद, कुछ खाने के लिए लूँगा, फिर उसके बाद होटल जाऊँगा खाना वाना खा के, फिर थोड़ा सा फ्रेश होना है। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया आज, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर नींद लेकर तो फिर जाऊँ सिटी को एक्सप्लोर करने। वैसे तो मेरा जो होटल है वो सिटी सेंटर काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है, लेकिन फिर भी सोच रहा हूँ कि ना समंदर की साइड ब्लैक सी की तरफ जाऊँ और आपको वो दिखाऊँ। तो साथ रहिएगा, आगे का दिखाता हूँ। ये खाना है, खाना भूख लगी हुई है और ऐसा कुछ है इसके पास। ये है पुलाव, वो पता नहीं क्या, और वो कोफ्ते, राइस पीस, राइस बियर, राइस पीस, बिस्मिल्लाह। और ये कोफ्ते पता नहीं खुद ही दे जा रहा है, मैं तो कुछ कहा भी नहीं है, तो क्या देना है, बस ठीक है और नहीं देना कुछ भी। तो शुक्रिया, तमाम तमाम।
चलें जी, होटल पहुंचने के बाद चेक इन करने के बाद मैं 2 घंटे सोया हूं, चूँकि सर में थोड़ा सा दर्द था तो रेस्ट करने का मूड था, रेस्ट किया हूं, नहाया हूं एंड देन उसके बाद अभी अगेन आया हूं। ये सिटी सेंटर है, यहां से होटल मेरा 100-200 मीटर होगा, तो वॉक करके ही यहां पे पहुंच गया। तो यहां इस पे क्या है सीन, इसमें एक सिटी सेंटर है जहां पे इर्द गिर्द कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स इस तरह की और पार्क्स वगैरह, चाय वगैरह के, कॉफ़ी वगैरह के दुकानें बनी हुई हैं और रश काफ़ी है। हालांकि उस दिन भी मैं इधर आया था जिस दिन मैं त्राबज़ोन पहुंचा था, लेकिन उस दिन रश नहीं था, मैं उस दिन वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा चले आपको आज जाकर इनका सिटी सेंटर जो है त्राबज़ोन का वो दिखा दूँ और आप भी ज़रा देख लें। थोड़े से शॉर्ट्स ले रहा हूँ, वो इस वीडियो के एंड पे मैं उसको डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो एक्सप्लोर करने की जगह यही है, बाकी बीच वगैरह पे मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि रात है और मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है नेक्स्ट सिटी की, यहाँ से त्राबज़ोन से, जो कि ऑलरेडी बुक कर चुका हुआ हूँ। और आप अभी ज़्यादा बोर नहीं हो और देखें ज़रा इनका सिटी सेंटर और शहर मरकज़ी।